हेलो गाइस, अगेन कम बैक टू चैनल। स्वागत है तुम्हारा फिर से एक प्यारे से वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हमारी RS 100 के 6000 किलोमीटर हो चुके हैं। जैसे कि तुमको मैंने पता है, ये वीडियो चाहिए मीटर चेंज होने के पहले की बनी हुई वीडियो है, और उसके अंदर तुमको अभी इसके बाद मीटर वगैरह भी चेंज होगा तो तुमको वीडियो शायद वो मिल गई होगी चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हमारी बाइक पे 6000 किलोमीटर हो चुके हैं कंप्लीट, जो कि अपने RS 100 पे। मेरे को बाइक को लिए 7 महीने हो गए, मतलब कि 6.5-7 महीने हो गए। 6.5-7 महीने में मैंने इस बाइक को है ना 6,500 और 7,000 के आसपास चला दी इसका अप्रॉक्स, और अब मीटर चेंज जाएगा तो 0 किलोमीटर जाएगी। बट मैं चाहता था कि उससे पहले एक वीडियो बन जाए अपने चैनल पे, जिससे मैं बता सकूं कि बाइक 6,500 किलोमीटर चल चुकी है, अभी 6,200 किलोमीटर कुछ चल चुकी है। मैं तुमको क्लिप भी दिखा दूंगा इधर। उसके बाद में आज मैं तुमको रिव्यू देने वाला हूं, और क्या क्या चीज़ें मिसिंग लगी वो सब चीज़ें रिव्यू देने वाला हूं 6,500 किलोमीटर चलने के बाद। तो 7 महीने हो चुके हैं और 6,500 किलोमीटर चल चुके हैं अपनी RS 100 को, जो कि अभी BS6 मैंने 2022 में ली थी। तो आज इसकी वीडियो में हम करने वाले हैं इसको रिव्यू, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। बताइए, बाइक ली थी मैंने नवंबर के स्टार्टिंग में ली थी और अक्टूबर के लास्ट के बीच में ली थी मैंने बाइक। तो ये बाइक जो 4 नवंबर को मैंने ली थी पिछले साल पे, तो उसके अंदर मैं तुमको आज बताने वाला हूँ इस बाइक के अंदर क्या क्या खामियां लगी। ओनरशिप रिव्यू का मतलब यही होता है, अब तुम कमेंट के अंदर अपना ज्ञान दो कि ये बात चीज सही नहीं, ये चीज सही नहीं है। बट मैं खुद का रिव्यू देता हूँ ओनरशिप रिव्यू के अंदर कि मेरे को क्या क्या चीजें फील हुई। तो पहले अपन नेगेटिव चीजों की बात करेंगे और फिर पॉजिटिव की बात करेंगे। नेगेटिव की बात करी जाए तो इस बाइक का जो वेट वगैरह है वो थोड़ा ज्यादा है, 166 kg तक का वेट है। वैसे मेरा 55 वेट है, तो मैं इस बाइक को थोड़ा, मेरे को हैवी होता है इसको उठाने के लिए। अगर एक साइड पे एक बाइक गिर जाती है तो मेरे को हैवी लगता है थोड़ा उठाने के लिए। एक चीज तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गई। बट अगर इसकी प्लस पॉइंट की बात करी जाए तो बोल सकते हैं इसका मटेरियल वगैरह बहुत अच्छा यूज किया और बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। अब बात करी जाए इसके माइलेज वगैरह की, तो माइलेज वगैरह की बात करी जाए तो कंपनी 35 का क्लेम करती है, बट मैं जैसे चलाता आ रहा हूँ इसको बहुत टाइम से, तो इसका माइलेज 35 तो नहीं मान सकते। बट अगर हाईवे पे तुम चलाते हो आराम से मेंटेन करके एयर वगैरह प्रेशर, तो 35 आराम से दे देती है, कभी कभी दे देती है। बट अगर सिटी की बात करें ना तो ये देती है 25-20 देती है माइलेज का, तो ये चीज़ खराब भी है। बट अगर इसका एक पॉजिटिव वे में अगर बात करना चाहे ना इस बाइक की, तो अगर तुम्हारे माइलेज गंदा कर रही है ना, तुम्हारा गंदा माइलेज दे रही है, उसकी जगह ये तुमको पावर देती है, एक प्लेजर देती है, लगता है कि तुम एक बाइक चला रहे हो। सच बता रहा हूँ, तुमको थोड़ा माइलेज वगैरह ज्यादा लगेगा, बट इसका प्लेजर वगैरह बहुत अच्छा है, इसका स्पीड वगैरह बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे एक नेगेटिव भी हो गया माइलेज का, बट तुमको एक पॉजिटिव चीज मिल रही है, इसकी स्पीड वगैरह 240-247 तक चले जा 140-147 तक चले जाती है बाइक, जो कि अपने 200 cc में एक मैं मानता हूँ कि किंग ही है अपने 200 cc के अंदर। मैंने KTM वगैरह भी चलाई तो 130-135 जाती हो, बट ये ऐसी इकलौती बाइक लगी मेरे को कि जो इतनी पावर रखती है, इतना टॉर्क रखती है, 18.7 Nm को टॉर्क रखी है अपनी बाइक के अंदर। तो इसका पिकअप वगैरह भी पूरी फुल फेयरिंग बाइक होने के बाद भी बहुत अच्छा था, मतलब कि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया 6,000 किलोमीटर चलाया तो मजा आया। अब बात की जाए इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस की, तो जैसे मैंने इसको चलाया आराम से, मैंने इसको 200 से जयपुर 200 बहुत चलाया इसको मैंने, 60 किलोमीटर तो मैंने नॉन स्टॉप चलाया, 60 तो यहाँ से वहाँ तक जाने का, मतलब कि 70-80 किलोमीटर मैंने इसको नॉन स्टॉप चलाया है। तो नॉन स्टॉप चलाने में दिक्कत पता है क्या आती है, आप आराम से चला रहे इस बाइक को, सेटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, आराम से चलती है बाइक। बट होता क्या है कि ये बाइक जो अपनी हीट बहुत जल्दी ज्यादा हो जाती है, तो तुम्हारे जो पैर वगैरह ना, अगर तुम इसको स्लीपर वगैरह के अंदर राइड कर रहे हो तो तुम इसको भाई इतना किलोमीटर राइड नहीं कर सकते, इसको ये जलाने लग जाती है, इसका इंजन वगैरह बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, तो एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है। बट अगर बात करें इसका सीटिंग पोस्चर वगैरह की, तो सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा था, मैंने इसको राइड करी आराम से 80 किलोमीटर आराम चलाई मैंने इसको, नॉन स्टॉप चलाई बिल्कुल आराम से, 100 के अप्रोक्स चलाई इसको आराम से, तो बहुत बढ़िया चली, बहुत मजा आया। अब बात की इसके ब्रेकिंग वगैरह की, तो ब्रेकिंग वजह से मैंने तुमको बताया इसके अंदर पावर वगैरह दी गई, तो इसकी ब्रेकिंग वगैरह भी अच्छी दी गई, नॉन ABS पहले आता था इसके अंदर, बट अब नॉन ABS बंद हो गया, इसके अंदर डुअल चैनल ABS है। तो ब्रेकिंग वगैरह का भी, जैसे मैं हाईवे वगैरह पे चलाता हूँ तो कोई भी अगर आगे कैटल वगैरह कुछ भी आ जाता है, मतलब कि जानवर आते हैं आराम से, तो यह बाइक आराम से रुक जाती है, तो ये चीज भी एक अच्छी हो गई। कि बात करें इसकी ब्रेकिंग वगैरह की, तो बहुत अच्छी है, बहुत मजा आया इसको बाइक को आराम चलाने में। बात करें इसकी हेडलाइट्स वगैरह की बात करें, तो तुम जैसे कि बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं इसके हैलोजन लाइट्स को LED लाइट्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए, हैलोजन को हटा के LED लगानी चाहिए, बट मैं बताऊं मैंने इसको रात में भी चलाया, दिन में भी चलाया 6,000 किलोमीटर चलाने के बाद, बट मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं कि यार इसके अंदर ना मतलब कि LED भी होने चाहिए। हैलोजन लैंप भी बहुत पावरफुल है, मैंने इससे कागज चलाया था एक टाइम पे, मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पे, इसके हैलोजन लैंप से मैंने कागज चलाया था, तो हैलोजन लैंप बहुत अच्छे हैं इसके, बहुत मजा आया था, मतलब कि बाइक वगैरह चलाने में कोई ऐसी दिक्कत मेरे को लगा नहीं। और बात की जाए इसकी, अगर बात की जाए ड्यूरेबिलिटी की बात करी जाए, इसकी बॉडी की है ना क्वालिटी के बारे में बात करी जाए, तो अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। बट कुछ जगह है ना थोड़ी तुमको दिक्कत देखने को मिलेगी, जैसे है ना इस बाइक के अंदर बहुत जगह है ना गैप जगह देखने को मिल जाता है तुमको हर जगह, मतलब कि मोस्टली अगर इस बाइक को गैप देखा जाए ना, तो गैप तो तुमको हर जगह मिल जाएगा, यहाँ पे गैप्स वगैरह मिलेंगे, दोनों साइड पे गैप वगैरह मिलेंगे, ये गैप पहले हुआ नहीं करते थे, बट जैसे जैसे मैं इसको राइड करता रहा ना, वैसे वैसे ये गैप वगैरह ना भरते गए, और ना इसका गैप की जो साइज थी ना, जो गैप पहले कम था फिर ज्यादा बढ़ता गया, फिर जैसे बढ़ता बढ़ता है बहुत ज्यादा हो गया, तो गैप वगैरह तुमको देखने को मिलेंगे। बट अगर बात करी जाए ना तो इसकी राइडिंग वगैरह बात करी जाए तो बहुत अच्छी थी, मतलब कि मजा आया इसको राइड करने में, जितनी भी चलाई मैंने इसको 6,500 किलोमीटर चला दी मैंने 6-7 महीने में, एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसका माइलेज 20-25 का माइलेज है, तो मैंने बहुत रगड़ के चलाई इस बाइक को, मतलब कि जितना रगड़ कर सकते हैं, मैंने थग ऑफ वॉर किया। तो एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर 100 आफ्टर अपन इसको मार्क्स देना है इस बाइक को, तो अपन है ना आराम से बाइक है ना 100, मतलब कि 100 में से है ना 98 स्कोर कर सकती है आराम से, 10/8 अपन उसको रेटिंग दे सकते हैं आराम से, क्योंकि इसके रीजन से बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो अगर तुमको कमियां तो हर बाइक के अंदर मिलेगी,
कमी हर जगह यार बाइक के अंदर मिलेगी तुमको, बट एक चीज बताऊं कमियों के आगे इसकी अच्छाइयां बहुत ज्यादा है। जैसे इसके अंदर पावर है, इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी है, इसके अंदर हैंडलिंग है, इसके अंदर पावर है, इसके अंदर टॉर्क वगैरह सब चीज तुमको बहुत पावरफुल मिलेगी इस बाइक के अंदर। बट कुछ जगह यार स्टैंडर्ड हार जाती है, जैसे कि इसके अगर क्वालिटी वगैरह की बात करें, इसके गैप वगैरह की बात करें जाए, तो वो सब चीज़ें देखो पुणे के अंदर इसका वो है अपना खुद का वो है शिपमेंट है पूरा, तो ऐसी चीज़ें इसके अंदर इतनी अभी आई नहीं कि मतलब इंजीनियरिंग इतनी अच्छी नहीं हुई इस बजाज की, किसी से पार्ट्स वगैरह ना वो थोड़े अच्छे आए, बट मैं होप करता हूँ तुमको पार्ट्स वगैरह भी बाद में जाकर अच्छे मिलेंगे। जैसे जैसे देखते रहे BS4 से BS6 आया, उसके अंदर वाइब्रेशन वगैरह कम हुई, तो ये सब चीज़ें भी अच्छी लगी कुछ टाइम में, मतलब कि धीरे सुधार रहा है बजाज, तो ये चीज़ भी अच्छी है। ऊपर तुमको इसके अंदर वीडियो के अंदर पूरा तुमको डिटेल मिल गई होगी, जैसे मैंने बताया कि मैंने 6.5 रिकमेंड चला, बहुत अच्छे थे, मैंने रेटिंग भी दी 10/8 रेटिंग दे सकते हैं, 2 रेटिंग में घटा सकते हैं इसकी, क्योंकि थोड़ी दिक्कत इसके अंदर भी है, बट अगर बात की जाए इसकी परफॉर्मेंस की, इसके पावर की, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी हैंडलिंग की, तो बेस्ट है मेरे हिसाब से। इसको कोई ऐसे टक्कर देने वाली बाइक है नहीं इसके अंदर, फुल फेयरिंग है 2 सेगमेंट के अंदर, KTM वगैरह RN5 को तुम मान सकते हो, बट एक चीज बताओ तुम इससे कभी भी अड़ा के देख लेना इस बाइक को, अगर ये अड़ने भी दे दे तो, बहुत मैंने रेस वगैरह लगाई कभी अड़ने नहीं दिया, कभी भी इसने ऐसा कुछ नहीं किया कि अपन को निराश किया मेरे को, कभी ऐसा कुछ नहीं किया, तो अल्टीमेट थी बाइक RS 200 अगर तुम लेने का सोच रहे हो तो आराम से ले सकते हो। तो मैं होप करता हूँ तुमको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, तुमको तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं कोई ऐसी प्यारी सी वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, खाते भी रहो।